सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। मुताबिक बैठक काफी लंबी हो सकती है। जो तक कोई सिट्टा नहीं निकलता उदो तक जारी रहेगी। इस बैठक ते पूरे देश की नजर है। दस दी कि 17 मई तक लॉकडाउन का तीजा पड़ा चलेगा, इसलिए आज की बैठक काफी अहम है। दस्योग है कि पीएम मोदी की सूबे के मुख्यमंत्रियों नाल पंजवीं बैठक है। लॉकडाउन के 47 दिन पूरे हो चुके ने, तीजा पार्ट भी खत्म होने वाला है। कोरोना लगातार रफ्तार नाल बढ़ रहा है, लॉकडाउन लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, अर्थव्यवस्था से भी करारी सट बजी है। अजिहे विच बैठक च चार मुद्दों ते गल होगी। पहला, कोरोना नूं किवें काबू करिए। दूसरा, लॉकडाउन 4 या इस दे पार। तीसरा, जिंदगी किवें पटड़ी ते पत्तेगी। अते चौथा, अर्थव्यवस्था नूं रफ्तार किवें देगी। लॉकडाउन दौरान वध तों वध प्रवासियों नूं घर पहुंचाउण दी कोशिश विच रेलवे ने हुण मजदूर स्पेशल ट्रेन विच 1200 दी थां 1700 यात्रियों नूं भेजण दा फैसला कीता है। भारतीय रेलवे ने यात्री रेल गड्डियां मुड़ तों शुरू करन दा ऐलान कीता है। रेलवे अनुसार नवीं दिल्ली तों चलण वालियां ट्रेनां विच रिजर्वेशन लई बुकिंग अज शाम 4 बजे तों शुरू होएगी। भारतीय रेलवे द्वारा यह कहा गया है कि इस वेले 15 जोड़ी यात्री रेलां 12 मई तों शुरू होण दी योजना है। जानकारी अनुसार स्टेशन ते टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे अते काउंटर तों प्लेटफॉर्म टिकटां समेत कोई टिकट जारी नहीं की जाएगी। ये बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट तो की जा सकती है। यात्रा दौरान किसी भी यात्री लई फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। रेलवे वालों कहा गया है कि रवानगी दे समय स्टेशन ते सारे यात्रियों नु स्क्रीनिंग तो भी लंघना पड़ेगा। सिर्फ उन यात्रियों नु ही आज्ञा दी जाएगी जिन्हों लाग दे कोई लक्षण नहीं होंगे। ये रेल गड्डिया नवी दिल्ली तो डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, बंगलौर, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू लई चलनगियां। दस दिए कि भारतीय रेलवे ने 1 मई तो हुण तक 5 लाख यात्रियों नूं उनां दी मंजिल तक पहुंचाया है। भारत च कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सेहत और परिवार कल्याण मंत्रालय अनुसार देश में हम COVID-19 के कुल 60,152 मामले हो चुके हैं और 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस दौरान 20,917 ठीक भी हो गए ने। इस वेले देश में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के एक्टिव केस 47,029 ने। पिछले 24 घंटिया कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 4,213 नवे मामले सामने आए ने। देश में सब तो बुरे हालात महाराष्ट्र के ने। इथे कोरोना वायरस इन्फेक्शन दे हुण तक 22,171 मामले सामने आ चुके ने अते 832 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस वर्गी भयानक महामारी के मद्देनजर बंद किए गए कम्मा कारां नूं खोलण संबंधी चंडीगढ़ प्रशासन वालों अहम फैसला लिया गया है। प्रशासन वालों 18 मई तो सरकारी दफ्तरां च जनतक कारोबार शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। इस दे नाल ही प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि लोगों नूं पूरी तरह नाल अपनी सुरक्षा करनी पवेगी अते सोशल डिस्टेंसिंग के नाल नाल सैनिटाइजर का भी बार बार इस्तेमाल करना होगा ता जो कोरोना वर्गी भयानक बीमारी के फैलाव नूं रोकिया जा सके। कोरोना महामारी दौरान विदेशों तो आने वाले सारे यात्रियों का जिले स्वागत है, पर इन यात्रियों अपने खर्चे से पहला 14 दिनों लिए क्वारंटाइन रखना पवेगा। यह कहना है जलंधर के डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा का। इस दे लिए प्रशासन ने जिले नाल संबंधित 26 होटलों और 1 इंस्टीट्यूट की सूची जारी की है जिथे विदेशों तो आने वाले यात्री क्वारंटाइन की म्याद पूरी कर सकेंगे। उधर पंजाब च कोरोना नाल इक होर मौत हो चुकी है। CMC लुधियाना जिरे इलाज जलंधर दे व्यक्ति दी अज मौत हो गई है। जलंधर जिले च यह 6वीं मौत है। इस दे नाल ही सूबे च कुल मौतां दा आंकड़ा 32 हो गया है।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੁਆ ਔਰ ਮਸਲਾ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ 35-36 ਦਿਨ ਕਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹਾ ਤੋ ਉਸਮੇ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਯਾ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਤਮਾਮ ਸਟੇਟ ਕੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਥੀ ਤੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਔਰ ਵੋ ਸੀਐਮ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੋ ਤਮਾਮ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੈ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੇਂ ਵੋ ਸੀਐਮ ਕੋ ਦੇ ਦੀਏ। ਪਾਲਿਸੀ ਪੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਸੀਐਮ ਕੋ ਦੇ ਦੀਏ ਔਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਮਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲਿਕਰ ਵੈਂਡਸ ਬੰਦ ਰਹੇਗੇ ਉਤਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਵਟ ਐਵਰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੈਸੇਸਰੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਇਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਓਫੀਸ਼ਲ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਨਓਫੀਸ਼ਲ ਏਜੰਡਾ ਥਾ ਵੋ ਯੇ ਥਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੇ ਦੋ ਦਿਨ ਕਬਲ जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह जी और उनका जो तमाम कैबिनेट के सामने रवैया था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू था वो चीफ सेक्रेटरी के जो मनसब है उनके जो ऑफिस है उसको जेब नहीं देता और मुझे लगता है वो जो पंजाब की कैबिनेट है उनकी शायान शान में भी नहीं था। तो मैंने ये प्रपोजल दी कि अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कंटिन्यू करते हैं तो मेरे लिए ये नामुमकिन होगा कि मैं उस कैबिनेट या उस मीटिंग में बैठूं जहां चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह उसी में बैठे हों। तो सीएम साहब ने और सारे कैबिनेट से पूछा कि ये जो मनप्रीत की जो प्रपोजल है उसको चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने भी बोला क्योंकि जब वो थोड़ी बहुत इख्तलाफात हुए थे तो वो चन्नी जी पे दरअसल उन्होंने ये नाजेबा अल्फाज जो है वो यूज़ करे थे। तो चन्नी साहब ने बोला जी मैं भी उस कैबिनेट का हिस्सा या उसमें शिरकत नहीं कर सकता जहाँ चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो सीएम ने बोला भी आप अपना डिसीजन रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। तो यूनैनिमसली सारे कैबिनेट ने ये बोला, ये रिकॉर्ड करवा दिया है। सीएम साहब ने ये नोट किया कि ये कैबिनेट का यूनैनिमस डिसीजन है। हमने सीएम साहब से ये दरख्वास्त करी है कि ये फैसला अब आपने करना है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को मीटिंग में बुलाया करेंगे कि हमें। सो बहरहाल और मैं आपके सुनने वालों को क्योंकि प्लीज़ ये मेरी बात आप गलत मत समझ लेना, ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, ये कोई अना की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस बात की है और मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ। आज से 7 हफ्ते पहले आई लॉस्ट माई मदर, मेरे फादर इस वक्त जो है वो आईसीयू में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मैंने जिंदगी और मौत को बड़ी करीब से देखा है और जब कोई इंसान मौत देख लेता है तो उसमें ईगो और अना की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। ये जो फैसला लिया गया है इट इज़ इन द हाइस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब।
ये शायद कोई मानने के लिए और खास करके अगर कोई सियासतदान ये बात कहता है तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, पर मेरे ग्रैंडफादर भी एमएलए रहे हैं पंजाब में, मेरे फादर भी एमएलए पंजाब में रहे हैं और मैं भी पंजाब में 5 मरतबा एमएलए रहा हूं। एक गोशा है दिल में जो पंजाब के लिए वफादारी रखता है। तो ये जो फैसला या जो आज ये मुतालबा किया गया, ये पंजाब के फलाह, पंजाब के हाईएस्ट इंटरेस्ट में ये फैसला लिया गया। अब ये सीएम पे छोड़ना है कि सीएम साहब इस पे क्या फैसला लेंगे। और अगर आप मुझे आज के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आप ये इजाजत दे दें, माय फादर इज वेरी इल, I won't be taking any questions. I have to go back to the hospital. आज सतीश चंद्रा जी जो होम सेक्रेटरी हैं और सेकंड हाईएस्ट एंड सीनियोरिटी में, तो आज दी मीटिंग ली उन्होंने चेंज किया गया करण अवतार जी नु के आगे भी है। सर आइंदा जो भी मीटिंग्स होंगी अगर करण अवतार जी आएंगे तो उसमें मनप्रीत तो नहीं आए। दस्योग है कि पंजाब दे मुख सकत्तर करण अवतार अते मंत्रियों विचकार काफी विवाद बढ़ गया है। करण अवतार ने 31 अगस्त को सेवा मुक्त होना है। इस सरकार दी खास गल ए है कि जदों कोई आईएएस सेवा मुक्त हुंदा है तां उस नूं किसी कमीशन नाल ला दिता जांदा है। जाहिर है कि करण अवतार सिंह नूं भी किसी ना किसी अथॉरिटी दा चेयरमैन लाया जा सकदा है। विवाद भी उस समय पख्या है जदों मुख सकत्तर दे रिटायर होण च घट समां बचा है। जेकर मुख सकत्तर अज भी सेवा मुक्त हो जांदे ने तां उहनां दी पेंशन अते भत्तियां च कोई फर्क नहीं पवेगा। हुण इह फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हाथ च है क्योंकि उन्होंने मंत्रियों की भी रखनी है अते मुख सकत्तर दा सम्मान भी बरकरार रखना है। इसलिए सरकार मुख सकत्तर नूं कोई चंगा अहुदा दे के उसका सम्मान बरकरार रख सकती है। जलंधर च सोशल डिस्टेंसिंग दीआं शरेआम धज्जियां उड़ाईआं गईआं। दरअसल नकोदर रोड ते खालसा स्कूल दे विच झारखंड जाण वाले प्रवासी इकट्ठे होए सन अते इत्थों इन्हां ने अपने घर दे लई रवाना होणा सी। प्रवासी एक दूजे नाल चिपक के खड़े सन अते कोरोना नूं शरेआम सदा दे रहे सन। प्रशासन ने शुरू विच मजदूरां नूं लै के जाण वालीआं ट्रेनां विच खूब वाहवाही खट्टी सी, पर अज दीआं तस्वीरां इंतजामां दी शरेआम पोल खोल रहीआं ने।